ठीक है कह रहा है कि ए क्वाइन इज टॉस्ड 5 times एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स का आर देयर। देखिए एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, हेड और टेल, है ना। जैसे 5 times टॉस करेंगे तो हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, यही सब ना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हेड आया टेल, हेड आया टेल, हेड आया टेल। यानी कि अगर हम 5 times टॉस कर रहे हैं, समझिए इसको, तो हर एक कंडीशन को सिलेक्ट करने का हमारे पास कितना वे हो जाएगा, हर एक के लिए 2 ways हो जाएंगे। फर्स्ट बार में हेड और टेल 2 ways, सेकेंड टाइम्स भी टॉस करेंगे तो हेड और टेल 2 ways, ऐसे करके हर एक के लिए क्या होगा, 2 ways ही होगा, ठीक है। हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सेंस टॉस ऑफ ईच क्वाइन, ईच क्वाइन कैन रिजल्ट इन 2 ways, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2^5 यानी 32। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस 2, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इन सेकंड टॉस 2, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन थर्ड टॉस 2, ऐसे करके तीनों को, चार पांचों को लिख देते हैं और फिर इंटू इंटू कर देते हैं यहाँ पे। ये ऐसे भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।